कुछ भी ऐसा नहीं कर पाओगे जो अपनी मर्जी का करना चाहते हो। खुशी की बात यह है कि आज घर पे कोई नहीं और हम एकदम बिंदास व्लॉग कर सकते हैं। और लेट उठने की आदत को बरकरार रखते हुए टाइम इस वक्त हो रहा है 2:20 और अभी भूख लग रही है और नाश्ता करना है। अभी देखता हूँ कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ या नहीं, अदरवाइज बाहर जाकर कुछ लेके आना पड़ेगा। आज कुछ डिटेल डिस्कशन भी करनी है तो बस नाश्ता कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो जी चने और दही मिल गई थोड़ी सी पड़ी हुई, तो नान भी पड़े हुए, बस अब उनको गर्म करना है और फिर नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और ये टोपी पहनने का मकसद सिर्फ इसलिए कि बाल जो है ना बहुत अजीब हुए हैं, मेरे बाल क्योंकि कर लिए हैं तो संभालना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मेरा और किचन का कोई वास्ता नहीं है, मैं किचन में बहुत काम आता हूँ, सिर्फ पानी लेने के लिए आता हूँ जब जाता हूँ, अदरवाइज किचन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब कोई घर पर ना हो तो मैं काम कर सकता हूँ, एटलीस्ट अपने लिए काम कर सकता हूँ। तो अभी बस चने गर्म हो गए, अब नान गर्म करना है और बस फिर नाश्ता करके हम बात करते हैं। तो जिस लिहाज से भूख लगी हुई थी उस लिहाज से तो खाना नहीं खाया गया, देख सकते हैं आप वीडियो में भी कि बिल्कुल थोड़ा खाया मैंने। और एक चीज मुझे समझ आई है कि जो लोग खाना पकाते हैं ना, जैसे हमारी मदर्स हैं, तो वो जो खाना पकाते हैं ना वो कम क्यों खाते हैं, बिकॉज उनको पका के ही सारा उनका पेट भर जाता है। जैसे मैं गेम डेवलपर हूँ तो मैं गेम्स बनाता हूँ, मैंने अपनी गेम कभी नहीं खेली क्योंकि मैं बना के ही थक जाता हूँ, मुझे पता होता है कि वो कैसी है, तो इसलिए मैं खेलता ही नहीं हूँ। तो सेम एज़ अ केस मुझे आज वैसे फील हुई है कि मैंने खाना खुद गर्म किया और मैंने खाया नहीं, तो शायद भूख लगी भी थी लेकिन नहीं खाया, सिर्फ दही से गुजारा किया बात देर में ही, तो मैंने शेयर कर दी। अब बात करते हैं मुद्दे की। अच्छा जी, तो बात कुछ ऐसे है कि कुछ दिन पहले मैं अपने कजन के साथ बैठा डिस्कशन कर रहा था और वो भी बोल रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करने लगता हूँ तो मैं डर जाता हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपनी मर्जी से कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पाते कि उनके दिल में एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो डर होता है ना लोगों के दिलों में, ये बहुत ज्यादा तंग करता है और इस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसा फील होता है। और लास्ट डिस्कशन में मेरे अपने कजन के साथ, वो भी चाहता है कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूं लेकिन वो भी इसके दिल में भी ये डर है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोगों का कहना, जो दिल में डर है ना, मेरे ख्याल से इस डर का होना ही नहीं चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि यार तुम क्या कर रहे हो, या जो बुली करते हैं, साइबर बुली जो करते हैं ये लोग, इनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार। अगर आप दिल से कुछ काम कर रहे हो ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो जो लोग व्लॉगिंग के इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं वो उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि यार ऐसी टेंशन लेना छोड़ दें। पहली वीडियो अपलोड करने का ना तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। जो पहली वीडियो अपलोड करने का जो डर होता है ना, सिर्फ वही होता है, पहली वीडियो अपलोड कर देंगे तो होपफुली आपको जो है ना प्यार ही मिलेगा। टेंशन ना लें, करें अपलोड, हम लोगों की सपोर्ट आपके साथ है और जहां पर भी आपको सपोर्ट चाहिए हम वहां पे आपको सपोर्ट करेंगे। पिछले दिनों मुझे एक
इंस्टाग्राम पे एक बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं थोड़ा डिसहार्ड हूं और मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मैंने उनको इसी तरह से बात की थी कि अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं, जहां पे भी आपको सपोर्ट चाहिए मैं आपके साथ हूं, तो आप करें इसको स्टार्ट। एक बहुत जरूरी बात जो बीच में ही रह गई थी वो ये थी कि अगर लोगों के बातों की टेंशन लेते रहोगे ना तो अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाओगे जो अपनी मर्जी का करना चाहते हो, तो लोगों की टेंशन लेना छोड़ दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि मेरे चैनल पर आपका कंटेंट, नए कंटेंट आपको मिलता रहे। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे मैं उसके साथ दोस्ती करूं, तो मुझे कम्युनिटी बनानी है, मुझे फैन बेस नहीं बनाना। तो मेरी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक के लिए इतना नहीं, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा। ये वीडियो के चक्कर में मैंने थोड़े से चने ज़ाया कर दिए, एक आसे काम करने का नतीजा यही होता है।